समय एक बड़ा मैच टॉस होता हुआ इस समय सूरजगढ़ और मेजबान सूर्या वर्ल्ड के बीच, सूर्या वर्ल्ड के कप्तान एक्सुडारा ने टॉस जीता और चॉइस कोर्ट रखा है। और लीजिए शुरू होता हुआ सूरजगढ़ की तरफ से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए एक बड़ा मैच है क्योंकि मेजबान सूर्या वर्ल्ड की टीम है सामने टैगोर सूरजगढ़ के सामने, और देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं मेजबानी का। दर्शक निश्चित रूप से मेजबान टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे। टॉस जरूर जीता है सूर्या वर्ल्ड ने, लेकिन शुरुआत किसकी अच्छी होगी ये देखने वाली बात होगी। मजा आएगा मैच जो जो आगे बढ़ेगा। अंडर 19 पुरुष वर्ग जिला स्तरीय कबड्डी सूर्या वर्ल्ड भावदड़ी की सरजमी पे रक्षात्मक रुख, गलतियों से बचने की कोशिश शुरुआत में, और शायद अच्छी सोच है, लेकिन पॉइंट पहले किसके खाते में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। काफी मजबूत टीम है दोनों ही, पिछले मैच में सूर्या वर्ल्ड ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ पे और विधायक देते हुए वार्निंग देते हुए देखिए निर्णायक ओम प्रकाश जी जांगे, जबकि दूसरे छोर पे हैं विजेंद्र जी, बेहतरीन भूमिका अदा की है अभी तक, बिल्कुल एक आईने की तरह पारदर्शिता के साथ है। और निर्णायक के लिए दोनों ही टीमें बराबर, और तभी खेल का मजा आता जब निर्णायक बिल्कुल अपनी जगह सही हो। फिर से आगे बढ़ता हुआ पॉइंट अभी तक किसी भी टीम के खाते में नहीं गया है, खाता खुला दोनों टीमों का। बाकी महत्वपूर्ण मैच, इसलिए थोड़ी सी सीरियस दोनों ही टीमें, समय ध्यान रखना होगा। रक्षात्मक फिर से वही रवैया, और आगे बढ़ते हुए सूर्या वर्ल्ड की तरफ से 17 नंबर की जर्सी में टीम के कप्तान एक्सुडारा ने टॉस जीता था, चॉइस कोर्ट रखा था। क्या यहाँ पे बोनस मिलेगा? नहीं, जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक बोनस नहीं मिल पाएगा। अब की बार बोनस जाता हुआ सूर्या वर्ल्ड मेजबान के खाते में, करीब 2.25 मिनट के बाद खाता खोलने में कामयाब रहा सूर्या वर्ल्ड, जबकि सूरजगढ़ का खाता खोलना भी बाकी। अंडर 19 जिला स्तरीय पुरुष वर्ग का कबड्डी आयोजन, और कैच करने का सफल प्रयास गलती की है। एक पॉइंट इस समय सूरजगढ़ की झोली में, तो दोनों टीमें खाता खोल चुकी है। कांटे का मुकाबला, बेहद मजबूत टीमें दोनों ही, और यहां पे पॉइंट जाएगा 2-1 से आगे इस समय मेजबान। और डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी शेखावत खुश होंगे, जिस प्रकार से टीम और चेहरे पे प्रसन्नता नजर आ रही है, साउंड सिस्टम के साथ है, पास पहुंच गए हैं बिल्कुल, हौसला बढ़ाने के लिए टीम का। और फिर से थोड़े से रक्षात्मक ही नजर आ रहे हैं सूरजगढ़ के खिलाड़ी, 2-1 से आगे है इसमें सूर्या वर्ल्ड, जबकि सूरजगढ़ बैकफुट पे। और कैच करने का प्रयास, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया है, इस बार छोड़ने वाले नहीं थे सूरजगढ़ के स्टार, और वापिस आता हुआ सूरजगढ़ 2-2 से बराबरी पे। हर रेड के ऊपर रोमांच नजर आएगा, एक रेड के ऊपर मैच उधर तो दूसरी रेड के ऊपर उधर, लगातार जो आप देख पा रहे हैं, किसी भी टीम को किसी भी खिलाड़ी को हल्के में लेना गलतफहमी होगी किसी भी खिलाड़ी के लिए। पीछे सूर्या वर्ल्ड यहाँ पे मौके की तलाश में, और आगे आ रहे हैं, देखिए कैच कर लिए गए हैं खूबसूरती से, उतना ही लाजवाब ब्लॉक किया, दीवार बंद के सामने आ गए, थाम लिया, और अब बढ़त पहली बार सूरजगढ़ की सूर्या वर्ल्ड के ऊपर। तो देखिए जिस प्रकार से बढ़त सूरजगढ़ की बनी है, तो दर्शकों में खामोशी आ गई है, और क्यों नहीं, मेजबान टीम है इसलिए हार किसे पसंद है। एक बार फिर से देखिए रक्षात्मक रवैया,
सूर्य खिलाड़ी रेड के लिए तैयार। और सूर्य वर्ल्ड की तरफ से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश है और पहुंच गए लगता है। बिल्कुल एक पॉइंट जाएगा, अच्छा कार्य किया, दो माफ कीजिएगा, तो अच्छी वापसी यहां पे। और टाइम आउट लिया है टीम के कप्तान एक्स सुडारा ने, पहला टाइम आउट पहले आप में सूर्या वर्ल्ड की तरफ से। तो देखिए अभी तक जो खेल हुआ उसमें सिर्फ एक अंक की लीड है सूर्या वर्ल्ड के पास, सूरजगढ़ 3 जबकि सूर्या वर्ल्ड के पास खाते में 4 अंक। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ, बेहद रोमांचक मैच, बड़ा मैच है, आसान राह नहीं किसी भी टीम के लिए। दबाव दिखाई दे रहा है इस समय सूरजगढ़ के ऊपर, लेकिन पॉइंट से अभी भी दूर। सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावदड़ी मेजबान टीम है, इसलिए दर्शकों की सपोर्ट मेजबान को ज्यादा, और दबाव बनाने की कोशिश फिर से, लेकिन पकड़ और डिफेंस ब्लॉक ये सब चीजें सूरजगढ़ की बेहतर रही हैं अभी तक जो मैच हुआ उसमें। फिर से आगे बढ़ते हुए सूरजगढ़ के रेडर पॉइंट की तलाश होगी, अगर एक पॉइंट अर्जित करते हैं तो वापिस आ जाएगा फिर मैच में, लेकिन फिर से देखिए मौके की नज़ाकत में सूर्या वर्ल्ड के खिलाड़ी, लेकिन पकड़ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई है अभी तक जो पिछले दो मैचों में दिखाई है सूर्या वर्ल्ड के खिलाड़ियों ने। और फिर से इंतज़ार बढ़ता हुआ पॉइंट के लिए, टाइम आउट लिया था उसके बाद से दोनों टीमें रक्षात्मक नज़र आ रही हैं, हौसला बढ़ाते हुए सूर्या वर्ल्ड के शिक्षिका यहाँ पे जो कि एंकर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं पिछले दो दिन से। और फिर से इंतज़ार बढ़ता हुआ, डोर डाई रेड नहीं, इसलिए लगातार खाली हाथ ही आ रही है रेडर। कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया अभी तक सूरजगढ़ के रेडर ने, और जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो पॉइंट नहीं मिलने वाला आपको। फिर वही इंतजार, पॉइंट की तलाश जारी, पचलंगी काजड़ा से हारी, यहाँ पे किसकी है बारी, देखना दिलचस्प। और छलांग लगाई, लेकिन एक बार फिर से खूबसूरत डिफेंस, और टैगोर के खाते में एक पॉइंट और वापिस मैच में टैगोर सूरजगढ़ 4-4 से बराबरी पे। बेहद रोमांचक मैच, बेहद रोमांचक, दिल के धड़कने तेज होते हुए, और जिन्हें हृदय की प्रॉब्लम कर पाए वो मैच से नजरें हटा ले मैच में। इसी के साथ सूरजगढ़ टाइम आउट लेता हुआ, पहले आप में सूरजगढ़ टैगोर की तरफ से पहला टाइम आउट, हिदायत देते हुए टीम पर भारी, और जरूरी है समय समय पर गाइडेंस गुरु दक्षिणा से ही सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि गुरु के बगैर मंजिल बहुत दूर है। टाइम आउट के बाद फिर से स्टार्ट, मजा आएगा, जीतने वाली टीम निश्चित रूप से बहुत आनंद की अनुभूति महसूस करेगी, और बोनस जाता हुआ इस समय सूर्या वर्ल्ड के खाते में, तो एक अंक की बढ़त फिर से मेजबान के पास है। दबाव बनाने की कोशिश, जिला स्तरीय पुरुष वर्ग कबड्डी अंडर 19 सूर्या वर्ल्ड स्कूल जो कि मेजबानी कर रहा है भावदड़ी की सरजमी पे, निर्णायक के रूप में विजेंद्र जी शारीरिक शिक्षक हैं, बेहतरीन, उतने ही बेहतरीन नेक दिल के इंसान, और उनका साथ दे रहे हैं ओम प्रकाश जी जांगिर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया अभी तक निर्णायक के रूप में इस आयोजन को लेकर। और यहाँ पे काफी करीब थे लेकिन खींच लिया, थाम लिया मजबूती के साथ, और ये अभी तक देखने को मिला कि सूरजगढ़ की तरफ से ब्लॉक डिफेंस और कैचिंग बहुत ही जबरदस्त रही है, यही वजह है कि मैच में वापस आता हुआ सूरजगढ़ 5-5 से बराबरी पे, तराजू की तरह तुला हुआ मैच, तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम आधा आधा बंटवारा होता, जब 500-500 ग्राम
जीत किसकी होगी कहना बेहद मुश्किल। और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त। शारीरिक शिक्षक विजय जी जो कि रेफरी के रूप में और इस समय दोनों टीमें अपने अपने पाले बदलते हुए, तो पहले आपके बाद दोनों टीमें बराबरी पे हैं। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सिंह जी शेखावत टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेजबानी कर रहे हैं और इस आयोजन को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ली हैं। निश्चित रूप से धन्यवाद धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरे आपका खेल शुरू होता हुआ, पहले आप में दोनों टीमें इक्वल है 5-5 से, और अब दूसरे आप में और ज्यादा रोमांच बढ़ जाएगा जिस प्रकार से बराबरी पे हैं पहले आप पे, तो दोनों टीमों के लिए करो मुरो की स्थिति। फिर से सोच घट आगे बढ़ता हुआ रेड लेकर, और जिसकी झोली में ये पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की होगी, और ज्यादा अंतर से जीत होने वाली नहीं है इस मैच में, इसलिए एक एक पॉइंट बेस कीमती। मेजबान सूर्या वर्ल्ड निश्चित रूप से चाहेगा कि जीत का सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि आयोजन करता है और टूर्नामेंट और कैच कर लिए गए। ये बहुत ही खूबसूरत है, मजबूती से पांव थाम लिया और एक और पॉइंट सूरजगढ़ की बढ़त इस समय एक बार फिर से दूसरा मौका है जब सूरजगढ़ बढ़त बनाने में कामयाब रहा। इससे पहले टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी काजड़ा ने जीत दर्ज की थी, क्या टैगोर सूरजगढ़ यहाँ पे जीत दर्ज कर पाएगा? हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पे सूर्या वर्ल्ड की तरफ से एंकरिंग के रूप में भूमिका निभाते हुए शिक्षिका, और सफल प्रयास किया और यहाँ पे बढ़िया कार्य किया, एक पॉइंट सूर्या वर्ल्ड के खाते में, तो वापिस सूर्या। चमकदार प्रदर्शन करने की जरूरत है सूर्या, जैसा नाम है वैसा प्रदर्शन करने की जरूरत, और पिछले दोनों मैचों में तो ऐसा ही किया, बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, लेकिन इस मैच में चमक उतनी ज्यादा नहीं जितने पिछले दो दिनों में देखने को मिली थी। 6-6 से बराबरी पे दोनों टीमें। सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावदड़ी बनाम टैगोर सूरजगढ़ के बीच ये बेहद रोमांचक मैच है, अब तक का सबसे बेहतरीन रोमांचक मैच है। और छलांग लगाई और पहुंच गए एक बार फिर से, खूबसूरत रेड एक बार फिर वही पुनरावृत्ति, और एक अंक की लीड अब जाकर सूर्या वर्ल्ड स्कूल के, ऑडियंस देखिए उत्साह वर्धन करते हुए मेजबान टीम का, और खुश है यहाँ पे सूर्या वर्ल्ड के स्टाफ और स्टूडेंट्स अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाने की कोशिश। लेकिन इसी के साथ टाइम आउट लिया है सूर्या वर्ल्ड ने, दूसरे हाफ में पहला टाइम आउट विदाई देते हुए यहाँ पे सूर्या वर्ल्ड टीम को। देखिए शारीरिक शिक्षक टीम पर भारी, और निश्चित रूप से काफी खुश नजर आ रहे हैं डायरेक्टर सर, तमाम स्टाफ और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑडियंस मेजबान के। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ। ओम प्रकाश जी जांगेड़े शारीरिक शिक्षक निर्णायक, और उनके साथ हैं उनके पार्टनर विजेंद्र जी, बेहतरीन इंसान उतनी ही बेहतरीन निर्णायक की भूमिका का प्रदर्शन देखने को मिला उनके द्वारा, बिल्कुल एक आईने की तरह निष्पक्ष की भावना पारदर्शिता के साथ, और इसीलिए ये रोमांच यहाँ पे कबड्डी का अंडर 19 जिला स्तरीय पॉइंट की तलाश में जरूर है सूरजगढ़, क्योंकि वापसी के लिए उसे हर हाल में एक पॉइंट चाहिए। बोनस का प्रयास जरूर किया था लेकिन काफी पीछे अभी तक, दबाव में थोड़ी सी नजर आ रही है रेडर, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और टंकण गणना तो कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए काउंटिंग ईश्वर जी पिछले 3 दिनों से बहुत ही शानदार योगदान दे रहे हैं, टक्टके लगाए हुए एक एक पॉइंट को यहाँ पे अंकित करते हुए अपनी स्कोरिंग शीट में। और यहाँ पे समय का जाया करते जानते हैं कि बढ़त उनकी, और टाइम आउट लिया है इस समय
टैगोर सूरजगढ़ ने दूसरे हाफ में सूरजगढ़ की तरफ से पहला टाइम आउट। सूर्या वर्ल्ड बढ़त अभी भी कायम, करीब 6 मिनट का समय बाकी, तो एक एक पॉइंट बहुत बेशकीमती और कहते हैं बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, ये मैच यहाँ पे इस बात को साबित करता है। और अब अंतिम 5 मिनट शेष, 7-6 यानी 1 अंक की बढ़त है, ज्यादा बढ़त नहीं लेकिन 1 अंक भी चुनौती नजर आ रहा है सूरजगढ़ के सामने। हालांकि कैचिंग, डिफेंस, ब्लॉक ये बहुत बढ़िया रहा सूरजगढ़ का, लेकिन सूर्या वर्ल्ड की तरफ से कैचिंग पावर जरूर कमजोर रही है, इसीलिए मैच में बना हुआ सूरजगढ़ उछला बढ़ाते हुए लगातार मेजबान टीम का पॉइंट की तलाश जारी, लेकिन बोनस क्लियर होगा तभी जाके बोनस मिलेगा, नहीं। अंतिम 4 मिनट का समय, और यदि सूर्या वर्ल्ड जीतता है तो निश्चित रूप से खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मेजबान टीम है और बेहद रोमांचक मैच है, टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच है। हालांकि इससे पहले भी 2-3 मैच रोमांच हुए हैं, लेकिन ये उन्हें भी पीछे छोड़ गया है। तराजू की तरह तुलावा, हौसला बढ़ाते हुए लगातार दबाव दिखाई दे रहा है इस समय सूरजगढ़ के ऊपर। 1 पॉइंट चाहिए चाहिए वापसी के लिए, अगर मैच टाई होगा तो सुपर रेड होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट की बढ़त है इस समय मेजबान की। अंतिम 3 मिनट का समय, तो समय बेशकीमती, तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, बेलन लोटी गोपियां, वही अर्जुन और वही बाण, इसलिए समय की नज़ाकत ध्यान रखनी होगी दोनों टीमों को। 1 अंक की बढ़त है, ये निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। और दूसरा टाइम आउट दूसरे हाफ में टैगोर की तरफ से, और देखिए टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ, क्या पॉइंट गया है। और यहाँ पे सोचा समझा फैसला होगा, दोनों रेफरी के बीच मंत्रणा, कुछ नहीं, और इसी के साथ ये पॉइंट सूर्या वर्ल्ड के खाते में जाता हुआ। तो अब मुश्किल होगा, क्योंकि 2 अंक की बढ़त हो चुकी है मेजबान की, और अब 2 पॉइंट की लीड निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काट पाना, क्योंकि समय तेजी से जा रहा है, 2 से 2.5 मिनट का समय मुश्किल बचा है अब, और सूर्या वर्ल्ड नहीं चाहेगा यहाँ पे जोखिम उठाना। और इसी के साथ टाइम आउट, दूसरा टाइम आउट दूसरे हाफ में सूर्या वर्ल्ड की तरफ से, लास्ट टाइम आउट लिया इस समय सूर्या वर्ल्ड स्कूल ने, जो कि मेजबान है, और निश्चित रूप से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मेजबान, प्रशंसक, स्टाफ। और ये देखिए यहाँ पे शिक्षिका लगातार पिछले 3 दिन से लाइव टेलीकास्ट करने के लिए बीच मैदान पर, और अब सूरजगढ़ को जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए वापसी के लिए, अन्यथा मेजबान की जीत सुनिश्चित होगी। दर्शकों की सपोर्ट लगातार बढ़ते हुए, और दबाव के ये पल क्या झेल पाएगा टैगोर सूरजगढ़, बहुत मुश्किल। और जोश जज्बे की इस समय देखिए ऑडियंस, टाइम आउट का ध्यान रखना होगा, और यहाँ पे 2+ बोनस यानी कि 3 पॉइंट इस समय टैगोर सूरजगढ़ के खाते में, यहाँ से जबरदस्त वापसी, तो जबरदस्त वापसी। अंतिम समय में 1 अंक की लीड है इस समय टैगोर के, और बोनस मिला या नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा बोनस नहीं जाएगा। कैच करने का प्रयास किया और बहुत ही खूबसूरती से ब्लॉक किया है, तो जबरदस्त वापसी टैगोर की अंतिम समय में, गलतियां करता हुआ मेजबान, और हौसला गवाता हुआ इस समय सूर्या वर्ल्ड बहुत अड़ी। तो खेमा एक बार फिर से निराश सूर्या वर्ल्ड का, जबकि सूरजगढ़ इस समय मजबूत स्थिति में, समय ज्यादा नहीं इसलिए जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। और निजी के साथ समय समाप्त, और यह मैच टैगोर सूरजगढ़ ने अपने नाम कर लिया है।
देखिए जो बेहद रोमांचक मैच था उसमें सूर्यावर्ड सिर्फ 8 अंक अर्जित कर सका जबकि टैगोर सूरजगढ़ ने 10 अंक बटोरे और 2 अंकों से यहां पे शानदार जीत दर्ज के गजानन दोबड़ा सूर्यावर्ल्ड स्कूल भावधरी।